special day here in India. It is Diwali. It's our first time experiencing Diwali. Happy Diwali, everyone! आप देखें कि स्पेनिश पीएम जो है और उनकी बेगम जो है उनको वो मुंबई में दिवाली सेलिब्रेशंस में ले गए, फिर वो मिठाई खा रहे हैं, लड्डू, जलेबियाँ, हलवा, फुलझड़ियाँ जो हैं वो जला रहे हैं. सो दे आर टेलिंग देम, लुक, दिस इज इंडिया. अच्छा, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिंदू ही मनाते हैं, बल्कि ये सिख्स भी इसको सेलिब्रेट करते हैं, इसको जैन भी सेलिब्रेट करते हैं, और काफी इस तरह की कम्युनिटीज और भी हैं जो इसको सेलिब्रेट करती हैं. पिछले साल हमने देखा कि सऊदी अरेबिया में, यूएई के अंदर और इसके अलावा 8 मुस्लिम ममालिक में दिवाली के इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया गया. हमारा मजहब तो इस तरह की इजाजत नहीं देता हमें मुसलमानों को, तो यहाँ तक है कि उनको हम मुबारकबाद नहीं कह सकते उनके त्यौहार पे. अच्छा, ये आपका मजहब या अकीदा इतना कमजोर है कि आप दिवाली सेलिब्रेट करने से आप मुसलमान इस्लाम से खारिज हो जाएंगे? गेट आउट ऑफ दिस माइंडसेट के ये इंडियन कल्चर है. वो मैं अब आपसे पूछूं कि जी मेहंदी किसकी कॉपी, आप लोग शादियों में मेहंदियों में डांस करते हैं, वो किसकी कॉपी कर रहे होते हैं? Now, is it your culture or is it the Indian culture? ये पहली स्टेट है पेंसिल्वेनिया अमेरिका की जिसने ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया दिवाली इज ए स्टेट हॉलीडे. कभी आपने देखा कि पाकिस्तान का कोई त्यौहार हो तो कहीं पे इस तरह ऑल ओवर द वर्ल्ड सेलिब्रेट किया गया हो या पब्लिक हॉलीडे अनाउंस की गई हो? हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का APN चैनल पे. तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो को. तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को दीपावली पे शुभकामनाएं. और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दीपावली का नाम आते हैं दुनिया के अंदर, भारत का नाम आता है, यानी जब दीपों के त्यौहार की बात आती है तो दुनिया भर के लोगों के माइंड में एक ही नाम आता है और वह है भारत है, हिंदुस्तान है, इंडियन कल्चर है, भारतीय संस्कृति है. और बात करें भारतीय संस्कृति और इसके त्यौहारों की, तो इनमें खुशियों के रंग, फैमिली बॉन्डेज और नेचर से जुड़ाव इसकी खासियत हैं. और यही वजह है कि दुनिया भर में भारतीय त्यौहार काफ़ी लोकप्रिय हैं और दुनिया के लोग इससे आसानी से जुड़ जाते हैं, इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं. और ख़ास तौर से ज्यों ज्यों दुनिया के अंदर इस समय भारत की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कैपेबिलिटी बढ़ती जा रही है, और उसके साथ साथ जिस तरह से दुनिया भर के अंदर भारतीय जा भी रहे हैं, जिनके कारण भारतीय कल्चर और संस्कृति दुनिया भर के अंदर जा रही है. और वैसे भी हम सब जानते हैं कि जब से भारतीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कार्यभार संभाला है, उन्होंने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि न सिर्फ अपने भाषण के जरिए बल्कि अपने कार्यकलापों के जरिए भी मोदी जी ने भारतीय कल्चर को भारतीयों के लिए एक प्राइड बनाया है, गर्व का सिंबल बनाया है दुनिया के देशों में. तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को. दोस्तों, आपको पता है स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो आए हुए हैं भारत के अंदर, और लंबी चौड़ी जो डिफेंस डील्स हैं वो भी हो रही हैं. सो इंडिया को एटलीस्ट वो परेशानी और फिक्र नहीं है कि मुझे C-295 चाहिए तो मुझे देगा कोई नहीं. बात समझ रहे हैं आप? दैट इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने बेसिकली स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर को शुरू ही कहाँ से किया? उनका ये जो दौरा है 18 साल के बाद दौरा होना, उनको शुरू ही दिवाली से किया. और दूसरा यह है कि पाकिस्तान पे जो हाथ जरा टाइट ऑन है. अब देखें कि पाकिस्तान को जिक्र तो इंडिया नहीं मिस करता ना. मैंने पहले कहा कि जितने भी लीडर्स आते हैं तो वो पाकिस्तान को आखिरी पैरा में ज़रूर मेंशन करना होता है. और वही देख लें, आज भी ये जो इंडिया स्पेन की बायलैटरल जॉइंट स्टेटमेंट आई थी उसमें आखिरी पैरे के अंदर पाकिस्तान डिस्कस किया हुआ उन्होंने, ठीक है, और उसमें टेररिज्म और प्रॉक्सीज. लेकिन इंडिया ने एक स्टैंडर्ड पैराग्राफ रखा हुआ है जो हर मुल्क के सामने वो रखते हैं जाके, कि ये हम चाहते हैं कि बिकॉज हमारा दुनिया में एक्सट्रीमिज्म टेररिज्म को कंडेम करते हैं, उन्होंने कहा देखें हम पे ये अटैक हुआ था, पाकिस्तान ने जैश मोहम्मद पाला है, लश्कर ए तैयबा पाला है, ये किया वो किया ये वो आगे पीछे, तो आप हमारे साथ हैं? उन्होंने कहा हाँ हाँ टेररिज्म पे साथ हैं. वो इंडिया कहता जी कि लुक, यू आर टॉकिंग अबाउट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रोस्क्राइब्ड ग्रुप्स इंक्लूडिंग जैश मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, ISIS, अलकायदा, जैश मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, TTP, सारे तो हैं ये. बहरहाल एनी हो, ये जो दिवाली पे लेके जाना ये सारा करना, ये मैं समझता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है. अभी फॉर एग्जांपल देखें, आज 2024 है, उन्होंने 2026 को इंडिया स्पेन ईयर ऑफ कल्चर टूरिज्म एंड AI. अब मुझे ये बताएं कितने इंडियंस को कल्चर के नाम पे, टूरिज्म के नाम पे वीजाज मिलेंगे? सारे तो इंडियंस भाई ठीक नहीं ना होते, इंडियंस भी तो स्लिप होते हैं.
यूरोप के अंदर जाके आई हैव मेट दोज मेनी पीपल। सो ये वो 2026 को ईयर ऑफ कल्चर टूरिज्म एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। अब देखिए ना, जब इस तरह की चीजें हों कि आप ईयर ऑफ कल्चर टूरिज्म एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेलिब्रेट करें, देखिए सॉफ्ट पावर के जुमरे में आती है। और अब इसमें देखिए, पहले ही बूस्ट ले लिया, ठीक है जी, फिल्म होगा, फेस्टिवल होगा, म्यूजियम होंगे, आर्ट होंगे, लिटरेचर होंगे। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि दुनिया में इस कल्चर को एक्सेप्ट किया जा रहा है। इंडिया का जो कल्चर है वो पूरी दुनिया जो है इसको एक्सेप्ट कर रही है। पूरी दुनिया हमें इंडिया के रंग में रंगती हुई दिखाई दे रही है। जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किसी मुल्क के विजिट पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा कैसे उन्हें पुरजोश तरीके से इस्तकबाल करता है। वहाँ पे इंडिया के रवायती और सकाफती गाने चलाए जा रहे होते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि दुनिया इस वक्त इंडिया के कल्चर को जो है एक्सेप्ट कर रही है, अडॉप्ट कर रही है। देखिए जो प्रमोशन हो रही है ना पब्लिकली यहाँ सारी कंट्रीज में, वो इसलिए क्योंकि इंडियन मजहब जो है ना वो सेकुलरिज्म की तरह है और तमाम लोग जो है ना वो सेकुलरिज्म को पसंद करते हैं कि उसमें ज़्यादा सकती नहीं है, जबकि बाकी रिलीजन की निस्बत देखी जाए तो मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से हर रिलीजन जो है वो सख्ती का कायल है। तो इसलिए जो है उस रिलीजन की तरफ लोग ज़्यादा माइल होते हैं। लेकिन हमें अपने रिलीजन के साथ मुखलिसी का इजहार करते हुए मुझे तो ये लगता है कोई भी माइनॉरिटी है जो हमारी कंट्री में रह रही है उसके किसी भी रिलीजन को जो है वो हमें पब्लिकली सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। देखें कि इंडिया के अंदर कितनी बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन वो वहाँ पे ईद भी मनाते हैं, रबीउल अव्वल भी मनाते हैं। जो सोच आप रखती हैं, अगर यही सोच हिंदुस्तान के लोग रखेंगे तो वहाँ पे तो मुसलमान अपना कोई भी त्यौहार मना ही नहीं सकेगा, ईद भी सेलिब्रेट नहीं कर सकेगा। देखिए ये पब्लिकली अनाउंसमेंट की बात हो रही है ना, वहाँ पर पब्लिकली अनाउंस नहीं किया जाता। जैसे अगर हमारे हम यहाँ पर अनाउंस कर दें कि भाई पाकिस्तान में दिवाली की छुट्टी है, लेकिन इंडिया में ऐसे नहीं होगा कि जिस दिन हमारा एक स्पेशल डे है 12 रबीउल अव्वल का त्यौहार है तो वहाँ पर वो सिर्फ मुसलमानों को राइट है उसको सेलिब्रेट करने का, लेकिन पब्लिकली पूरी कंट्री को सेलिब्रेट इस सेलिब्रेशन में शरीक नहीं होती। लेकिन आप ये देखें ना कि अमेरिका की स्टेट ने जिस तरह से पब्लिक हॉलीडे अनाउंस की है, इससे नज़र आता है कि इंडिया का जो गलबा है वो किस तरह पूरी दुनिया पे छा रहा है। स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पेंसिल्वेनिया हैज नाउ ऑफिशियली डिक्लेयर्ड दिवाली ए रिकॉग्नाइज्ड स्टेट हॉलिडे एंड गवर्नर जो शैप्रियो साइनिंग ऑफ बाईपार्टिजन लेजिस्लेशन, जिसके तहत ये कहा गया है कि डेजिग्नेट्स दिवाली एज ए हॉलिडे ऑन द 15th डे ऑफ कार्तिक इन द हिंदू लूनिसोलर कैलेंडर। तो पेंसिल्वेनिया ऑफिशियली इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ अमेरिका जो डेजिग्नेट किया है कि दिवाली इज ए स्टेट हॉलिडे नोन एज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली रिप्रेजेंट्स द विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस, गुड ओवर इवल एंड नॉलेज ओवर इग्नोरेंस। These themes are symbolized by lighting oil lamps, diyas in homes, temples and public spaces. और हर चीज को जो है वो रोशन कर दिया जाता है।